नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टेशन ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है, सिंगल फेस मोटर को हमें ऑटोमेटिक रन कराना है, फॉरवर्ड, स्टॉप एंड रिवर्स। तो ये हमारी तीनों कंडीशनों में केवल एक पल्स के द्वारा मोटर ऑपरेट होगी। और आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट के लिए, न्यू मशीन पैनल के लिए, मॉडिफाई मशीन पैनल के लिए, कंट्रोल पैनल के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7017156380, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस पर न्यू पैनल के लिए या किसी अन्य प्रोजेक्ट के लिए। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेरे पास में ये सिंगल फेज मोटर है और एक सुकैश टाइमर है, दो कंट्रोल रिले है और एक पुश बटन है जो NC है। तो हमें इस टाइमर के द्वारा इस मोटर को ऑपरेट कराना है, फॉरवर्ड, स्टॉप एंड रिवर्स। तो हमें कितनी देर के लिए ये ऑपरेट करना है, या साइकिल, या हमें चैनल कितने कराने हैं, उसके लिए हम पावर को ऑफ करेंगे और शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे। जैसे ही पावर को ऑन करेंगे हम, तो हम इसको देखेंगे। अब हमारा ये आ चुका है नंबर ऑफ चैनल, हमें कितने चैनल इसको ऑपरेट कराने हैं। तो 4 चैनल है, इसमें 4 कर रखा है, हम 4 को यही रहने देंगे। अब हम दोबारा सेट की को प्रेस करेंगे तो आ चुका है हमारा नंबर ऑफ साइकिल। तो पहले 30 साइकिल थे इसमें और मैं 30 को 1 कर देता हूँ। एक बार पल्स देने पर केवल 1 बार ही कंप्लीट होगा, 4 चैनल 1 टाइम ही चलेंगे, 1 साइकिल ही होगा, ठीक है दोस्तों। और फिर मैं एंटर की को प्रेस कर देता हूँ। जैसे मैं अब पावर को ऑफ करता हूँ, फिर ऑन करता हूँ, तो अब मुझे क्या है, ये 1 साइकिल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं पुश बटन, जो NC पुश बटन है, इसको प्रेस करूँगा और ये 1 टाइम हमारा जो 4 चैनल हैं, ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट होगा, फिर ये स्टॉप हो जाएगा। हमें दोबारा चलाने के लिए दोबारा पल्स देनी होगी, पुश बटन को प्रेस करना होगा। अभी हम देखते हैं हमारे 4 चैनल्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं, हमारा जो मोटर है वो स्टॉप हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। यहां तक क्लियर हुआ। जैसे ही मैं पल्स दूंगा, ये मोटर हमारी स्टार्ट होगी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और स्टॉप, तीनों कंप्लीट होंगे। इसमें स्टॉप होगी मोटर, अब दोबारा रिवर्स होगी, ठीक है, फॉरवर्ड, स्टॉप एंड रिवर्स। इसमें अलग अलग टाइमिंग भी हम सेट कर सकते हैं, हमें फॉरवर्ड कितनी देर चलाना है, स्टॉप कितनी देर रखना है और इसको हमें रिवर्स कितनी देर चलाना है। तो ये 5 सेकेंड है, मैं यहाँ फर्स्ट चैनल को जो हमें फॉरवर्ड चलाना है उसको 5 मिनट कर देता हूँ, 5 मिनट 300 सेकेंड, ठीक है। हम इसको सेकेंड, मिनट और आवर्स में भी चला सकते हैं, ठीक है, सेटिंग कर सकते हैं उसकी। तो मैं यहाँ इसकी 300 सेकेंड कर देता हूँ, 300 सेकेंड। हमें स्टॉप कितने सेकेंड रखना है, 5 सेकेंड, और हमें रिवर्स कितना चलाना है, फिर 5 मिनट, तो 300 सेकेंड कर देता हूँ, क्योंकि हमारी जो सेट वैल्यू है वो सेकेंड में है। तो मैं 5 मिनट के लिए 300 सेकेंड इसमें डाल देता हूँ, तो हमारी जो मोटर ऑपरेट होगी वो फॉरवर्ड भी 300 सेकेंड चलेगी, स्टॉप 5 सेकेंड रहेगी और रिवर्स 300 सेकेंड चलेगी, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ दोस्तों। और आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ईमेल आईडी पर या कॉन्टेक्ट नंबर पर, आपको ये दोनों चीज़ें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू दोस्तों।